स्वागतम। पिछले कक्षा में आपको बताया गया था फ्रेम वर्ड्स विथ औकार टू औकार, एक एक अक्षर पर पांच पांच शब्द, अ से औकार से पांच शब्द, आकार, ह्रस्वईकार, दीर्घईकार इत्यादि औकार तक आपने पांच पांच शब्दों को लिखना सीखा। आज हम आपको इस कक्षा के तहत बताने वाले हैं खंडत्व, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु का प्रयोग बंगला भाषा में कैसे होता है। पिछले क्लास में ही हम आपको ये बता चुके थे कि अंग अह ये जो दो स्वर वर्ण हिंदी में लगता है, ये बंगाली स्वर वर्ण में इसका प्रयोग नहीं होता है। ये अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग और इस अनुस्वार और विसर्ग को व्यंजन वर्ण के अंत में जोड़ा गया है बंगाली में। तो आज हम आपको बताएंगे अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु और खंडत्व। खंडत्व हिंदी भाषी के लिए एक नई बात है, नया अक्षर है। इसका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। तो आप सबसे पहले जानिए ये अक्षर क्या है। खंड तो ऐसे लिखाता है, ये खंड तो का मतलब तो हलंत। जहाँ जहाँ आधा तो का प्रयोग होता है तो हलंत खंड, खंड तो मतलब आधा तो हलंत का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वहाँ वहाँ हम खंड तो का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए इसे, जैसे हम लिखेंगे सत, सौ तो सत, महत महत, उत्कल उत्कल, तत्पर आप देख रहे हैं इन शब्दों को लिखने के लिए हिंदी में कैसे लिखते हैं, सत, हिंदी में सत लिखेंगे, सत, तो में हलंत डाला गया, महत महत, उत्कल उत्कल, तत्पर तो आप देख रहे हैं या तो में हलंत डाल रहे हैं हम या फिर आधा तो का प्रयोग हो रहा है। बंगला में इस आधा तो के लिए एक अक्षर निर्धारित किया गया है जिसे हम खंड तो कहते हैं, इसका नाम है खंड तो। इसको खंड तो के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रयोग देखेंगे अनुस्वार, ये अनुस्वार है हिंदी में, इसका प्रयोग आप जानते हैं किसी भी अक्षर के सिरोरेख के ऊपर लिखते हैं, जैसे
सीधे तौर पर आप इसको लिखिए अंग। इसका प्रयोग जैसे हम लिखेंगे संग, संग अंश, अंश मांस, संकोच, संकोच संयोग, संयोग सो ऑन। इसको हम हिंदी में यदि लिखना चाहें तो संग, अंश, मांस, संकोच, संकोच, संयोग, संयोग, इस अक्षर को हम अनुस्वार कहते हैं। हिंदी में भी अनुस्वार कहा जाता है। हिंदी में इस अनुस्वार के बारे में एक बड़ा रोचक तत्व आप जान लीजिए। आपको हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा। देखिए, अनुस्वार का प्रयोग जब क वर्ग के साथ होता है, क, ख, ग, घ, म, इसका प्रयोग इन शब्दों के साथ, जब जैसे हम बोलेंगे गंगा, हम लिखेंगे गंगा, गंगा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है ग के साथ, ग लिखे और आप जानते हैं कि ये जुटा हुआ है ग, अंग, ग में आकर। अब च वर्ग के साथ यदि हम च, छ, ज, झ, इसके साथ यदि जैसे चंचल लिखेंगे, चंचल, तो इसका प्रयोग आप देखिए च, तो आप देख रहे हैं ये चंचल या का प्रयोग ये अनुस्वार के रूप में हो रहा है। यदि हम ट वर्ग में आवे, ट, ठ, ड, ढ, ण, यदि हम डंडा लिखते हैं या ठंडा लिखते हैं, ठंडा,
ठंडा, ठंड, ठंड लिखते हैं तो आप जान रहे हैं कि ठ और ण ड संयुक्त ठंड। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। यदि हम लिखेंगे दंत तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग न के बराबर होता है, द न तो संयुक्त। आ जाइए प वर्ग में, प, फ, ब, भ, म। यदि हम लिखेंगे पम, प, आधा म, प, तो हम देख रहे हैं इस बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग कभी अंग के रूप में, कभी यहाँ के रूप में, कभी ण के रूप में, तो कभी न के रूप में, और फिर कभी म के रूप में। लेकिन बंगला में ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप अनुस्वार को अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करेंगे। अब अंग अनुस्वार हो गया, विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग हिंदी के भांति ही हम देखते हैं। आ जिसको हम आ कहते हैं, तो अह का प्रयोग आप देखिए, बाह हम लोग बोलते हैं ना, बाह। बाह दुख हो, दुख हो, निश्चह, निश्चह, निश्रितो, निरि, श्रितो, पुनः, हिंदी में भी ऐसा ही प्रयोग होता है, बाह, बाह, दुख, निस्सह, निस्सह, निरिश्रित, निरि, पुनः, पुनः, और अंत में चांद बिंदु, जिसे चंद्र बिंदु बांग्ला में बोलता है। चांद बिंदु हिंदी में भी वैसा ही होता है जैसे कौमे चंद बिंदु। दांत,
दांत, कांठाल, बांदोर, राजहांस, सांतार, दांत। हिंदी में दांत दूसरे तरीके से आप लिखते हैं बिंदी डालकर, लेकिन बंगला में दांत लिखने के लिए दो में चंद बिंदु आकार तो। कांठाल, कांठाल माने होता है कटहर, क में चंद बिंदु आकार का, ठ में आकार लो, कांठाल माने कटहर होता है। बांदूर, ब में चंद बिंदु आकार दो रो, बांदर, बांदर माने होता है बंदर। राजहांस, राज ज ह में चंद बिंदु आकार स, हांस, राजहांस मतलब राजहंस, अब जानते हैं राजहंस। और सांतार, सांतार का मतलब होता है तैरना, सांतार मतलब तैरना, तैरना बंगला में तैरने को सांतार कहता है। एक बार फिर से आप देख लीजिए पूरी चीज को। आज की कक्षा में आप खंडत्व, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु से शब्द बनाना सीखा। इसका प्रयोग शब्द बनाते समय कैसे होता है इसे आप आज देखेंगे। तो खंडत्व, खंडत्व का अर्थ है आधा तो या तो हलंत। सत्य, जैसे सत्संग लिखेंगे तो सत्य संग। महत, महत मह खंडत्व। उत्कल, उत्कल माने आप जानते हैं हमारे राष्ट्रगान में है उत्कल वंग, उत्कल मतलब उड़ीसा होता है, उड़ीसा को उत्कल कहा जाता है। तत्पर, हिंदी में इसको लिखेंगे सत स तमे हलंत, महत मह तमे हलंत, उत्कल उ आधा त क संयुक्त ल, तत्पर त त प संयुक्त र, ये खंडत्व का प्रयोग हुआ। अब अनुस्वार का प्रयोग, संग संग, अंशो मांसो, संकोच संयोग, संग, ऐसे अनुस्वार का प्रयोग ऐसे किए। अंश मांस, संकोच संयोग, ठीक है। विसर्ग का प्रयोग, बाह दुखो निस्सह निश्रितो, पुनः हिंदी में बाह दुख निस्सह निश्रित पुनः। और अंत में चंद्रबिंदु का प्रयोग, दांत, कांठाल, बांदोर, राजहांस, सांतार। दांत, हिंदी में आप दंत लिखते हैं लेकिन बंगला में दांत, दो में चंद्रबिंदु आकार तो दांत। कांठाल, कांठाल का अर्थ होता है कटहर, क में चंद्रबिंदु आकार ठ में आकार लो कांठाल। बांदोर, ब में चंद्रबिंदु आकार दो रो बांदर, बंदर को बंगला में बांदोर बोलता है। राजहांस, हिंदी में इसे राजहंस कहते हैं आप, ह में चंद्रबिंदु आकार सहांस। सांतार, स दंत स में चंद्रबिंदु आकार त में आकार र, सांतार मतलब तैरना,
इसको सांतार कहा जाता है। तो आज के लिए आपकी कक्षा इतनी ही है, आप इसको ध्यान से देखिए, आपके मन में जो प्रश्न हो वो आप आगे हमसे पूछिए। धन्यवाद।